Now, please take your seat. See, one more or less. No, already we have taken nearly 4 hours. We have already 4 hours we have taken. 2 hour allotted, 4 hours we have taken. Please. 2 minutes speech. We'll give two minutes. No, no. Two minutes we can give and finish it. Huh? So, yeah, 2 minutes we'll give each and try to finish it. 2 minutes. Next. Virendra Kashyap. Virendra Kashyap. 2 minutes. 2 minutes very briefly. Sir, सीट यहाँ है मेरी इसलिए सभापति जी प्लीज मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कुछ मिनट मुझे आज जो ये 193 रूल के तहत जो डिस्कशन हो रहा है उस पर बोलने का समय दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ मैं ये समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को जो समाप्त किया गया वो इसलिए था क्योंकि जो हमारे समाज में अन्याय था उन लोगों को शोषित वर्ग को जो है किस प्रकार से उनके साथ जातियां होती थी उसको समाप्त करने का जो है वो इस आर्टिकल के तहत जो है वो समाप्त किया गया था और उसके उपरांत जिस प्रकार से अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 लाया गया और उसके बाद जो एट्रोसिटीज एक्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर जिस प्रकार से होती रही है उसको समाप्त करने के लिए 1989 में जिस प्रकार से इसको आगे लाया गया उसके बारे में आज जिस प्रकार से जो चर्चा हुई है मैं समझता हूं आज के इस युग में जबकि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और आज भी 21वीं सदी में एक मानव को दूसरे मानव के साथ टच करने के लिए और उनके हाथ का पानी पीने के लिए उनको जो है कहीं सोशल गैदरिंग में जो है साथ बैठने के लिए अगर आज उनको आज लड़ाई लड़नी पड़ रही है और आज हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में इसको चर्चा कर रही है तो हमें समझते इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती कानून बने इसमें कोई दो राय नहीं कानून बने सरकारें आई हर पार्टी की सरकारें आई आज भी अलग अलग सरकारें हर प्रदेश में कहीं कोई पार्टी की सरकार है कहीं कोई पार्टी की सरकार है पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि फलानी पार्टी के सरकार के अंडर जो है वहां पर ज्यादा जो है एट्रोसिटीज हो रही है एट्रोसिटीज सब जगह हो रही है वहां पर समाज की जो अवधारणा है आज जो सामाजिक मानसिकता है हमारी जो वो बदली नहीं मैं ये कहना चाहता हूं भले ही बड़े बड़े कानून आए अनुसूचित जाति के लोगों को जनजाति के लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई भी आगे लाने का प्रयास किया गया रिजर्वेशन लाई गई परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं हम लोग जो यहां पर बैठे मैं स्वयं एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हूं एक जर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं परंतु जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं हम देखते हैं हमारे वहां पर जो प्रधान है हमारे जो शेड्यूल कास्ट प्रधान है रिजर्वेशन उनको लाई गई पंच उनको बनाया गया परंतु मैं कहना चाहता हूं बहुत जगह पर आज भी 15 अगस्त को शेड्यूल कास्ट के प्रधान को लेडी प्रधान को जो है उसका झंडा नहीं फहराने दिया जाता है आज उसके ऊपर जो है पाबंदी है और अगर कहीं पर इस प्रकार से झंडा फहराया जाता है वहां पर जो है उसके साथ जातियां होती हैं उनके साथ जो बाइकआउट किया जाता है आज इस पर जो है चर्चा हो रही है परंतु ये चर्चा बहुत कम समय में हो रही है हर व्यक्ति इसके ऊपर कहना चाहता है मैं कहना चाहता हूं अभी मैंने पिछले दिनों मिड डे मील की जो है वो एक मॉनिटरिंग की विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग ली और उसमें बहुत से केसेस जो हैं वहां पर ये आए कि हमारे बहुत से जो वहां पर कुक रखे गए थे लेडी कुक रखी गई उनको जो है वहां पर खाना नहीं बनाने दिया गया और वहां पर उनके जो माँ बाप ने हैं वहां पर उन बच्चों को ये कह दिया वो बच्चे जो बिल्कुल कच्ची उम्र के हैं
बच्चे मन के सच्चे, उनकी जो मानसिकता उनके माँ बाप की है, हमारे समाज में उनकी मानसिकता जो समाज को एक नहीं रखना चाहते हैं, सामाजिक जो भ्रातृत्व की भावना कई वर्षों से है वो नहीं रखना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं कानून बनाती हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे मिनिस्टर हो, वो कभी भी इसके प्रति जो है वो संवेदनशील नहीं होते हैं, कभी वो जो है इसके लिए आगे नहीं आते। ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग वहां पर जाते हैं, हम कोशिश करते हैं तो वहां पर जो है हमारे खिलाफ जो है आंदोलन शुरू हो जाता है। शेड्यूल कास्ट के अभी मेरे साथी जो है लाल सिंह जी बैठे हैं अभी कह रहे थे कि शेड्यूल कास्ट के जो मेंबर पार्लियामेंट है वो कोशिश क्यों नहीं करते। हम कहना चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं और जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, इस बात को हम अध्यक्ष जी जब उठाते हैं तो लोग हमारे खिलाफ जो है वो एक षड्यंत्र कोई रच देते हैं, कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र जिससे हमको बदनाम किया जाता है, अनुसूचित जाति के सांसदों को, विधायकों को, प्रधानों को जो है इस प्रकार से बदनाम किया जाता है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जैसे आपने कहा, मैं अभी एक जो है नीरजपुर में मुझे अभी मीरतपुर में हम गए थे, हमारे आईएएस रिटायर्ड तो नहीं कहूंगा मेघवाल जी, और हम जब मीरतपुर में गए, मैं कहना चाहता हूं कि उनके साथ कितना बर्बरतापूर्ण जो है व्यवहार किया गया। लोग जो है स्प्रेयर ले गए, स्प्रेयर मिट्टी का तेल डालकर, और उनके घरों को जो है स्प्रे करके जलाया गया। और बेटियों को, जैसे गुलशन जी यहां पर बोल रही थी, उनकी बेटियों की शादियां होने वाली थी और उनकी जो है वहां पर जो शादी का सामान था उनको ट्रंक से निकालकर जो है फूका गया, जला दिया गया। और वो बेटी जो 18 साल 19 साल की बेटी जो पोलियो से ग्रस्त थी, जो कोशिश कर रही थी कि मैं किसी ना किसी रूप से जो है पढ़ लिख सकूं, पढ़ने के लिए जो है ट्राई व्हीलर जो है उसके लिए दिया गया था, उस पर वो स्कूल कॉलेज जा रही थी, यानी उसको जो है वहां पर जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसको बंद कमरे में कर दिया गया। उसका बाप जो है ताराचंद, लगभग 72 वर्ष का वो व्यक्ति जो है उसको भी वहां पर जला दिया गया। और जलाने के बाद जो है आज वो पूरे का पूरा गांव, लगभग 120 से ज्यादा लोग जो है आज वो वहां पर रहने के लिए जो है वो परेशान है कि हम नहीं रहना चाहते। इस प्रकार की घटनाएं आज घट रही है, ये मानसिकता है। आज ये कहना चाहता हूं मैं कि हमें आज चाहे बोलने का समय यहां पर कम दिया जा रहा है, हर व्यक्ति जो यहां पर बैठे हमारे मंत्री हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, वो सारी चीजें हैं। अभी देखो जींद के बारे में कहना चाहता हूं, जींद में आजकल जो है एक मिनट, जींद में जो है आजकल हमारा ये जो चल रहा है कांवड़ियों का कार्यक्रम चल रहा है, और कांवड़िए जो है वहां से जल लेकर आते हैं। अभी जींद में दलितों को नहीं करने दिया जलाभिषेक, ये हरिद्वार के ये जो हमारे दलित कांवड़ियों को थुआ गांव में जो है शिव मंदिर के कुछ दबंगों ने जलाभिषेक नहीं करने दिया, इससे अन्य समुदाय के कांवड़ियों को गुस्सा आया और उन्होंने 16 किलोमीटर दूर कैथल के खड़ावाला गांव जाकर जो है मंदिर में जलाभिषेक किया। जो लोग इतनी आस्था है जिनको भगवान पर, शिव पर जो आस्था है, उनको वहां पर जलाभिषेक करने नहीं दिया जा रहा है, इन दलितों को नहीं करने दिया जा रहा है। आज ये स्थिति है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आवश्यकता इस बात की है, ये ठीक है कि सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। रिजर्वेशन के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं, आज रिजर्वेशन भले ही मिल रही है परंतु प्राइवेट सेक्टर में जो है हमारे लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। यूपीए की सरकार जब आई, मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी बैठे यहां पर, पिछली बार यूपीए 1 जब आई थी, प्लीज वाइंड अप, कैच अप, हम प्राइवेट सेक्टर प्रॉब्लम दैट इज रिजर्वेशन लाने का प्रयास करेंगे। एक शायद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है बना, परंतु उसके बाद वो टाइम टाइम फिश हो गई। हमारे यूपीए की सरकार, जिसके ऊपर बड़ा कहा जाता है कि हम दलितों के हितैषी हैं, ठीक है हितैषी हैं, सरकार भी आपके कांग्रेस की सरकार है, अगर बनी तो अनुसूचित जाति की वजह से बनी है हमेशा आज तक जो है, परंतु उनके साथ इस प्रकार का अत्याचार होता रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कांग्रेस के लोग अत्याचार कर रहे हैं, परंतु जिन लोगों को समय मिलता है, सरकार चलाने का समय मिल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं संवेदनशील होने चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, ताकि हम सब लोग इकट्ठे होकर, हम चाहे किसी भी पार्टी के हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे बीएसपी है, कोई भी पार्टी है, हम सबको इकट्ठे होकर प्लीज वाइंड अप प्लीज।
सर बोलो ना भी खड़े अंत में तो वाइंड अप ऑलरेडी 5-10 मिनट कोऑपरेट बिकॉज अदर मेंबर्स आर वेटिंग सजेशन देना चाहता हूँ दो सजेशन आपके ध्यान में देना चाहता हूँ क्योंकि सभी मिनिस्टर सांसदों ने अपनी बात यहाँ रखी एक जो एससीसीपी की बात आई है एससीसीपी की बात यहाँ पर आई है ये बहुत सही बात है कि अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान का बड़ा फायदा हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ हमारी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर अभी पिछले दिनों हमारे 25% शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में सेकेंड लार्जेस्ट तो वहां पर सरकार के ऊपर दबाव डालकर हमने कहा कि जितनी पॉपुलेशन अनुसूचित जाति के उतना बजट हमको दिया जाए और हमें खुशी है कि वहां की सरकार उसको मानी और 25% बजट आज एससीसीपी का जो है वो अनुसूचित जाति को दिया जा रहा है उसका लाभ हो रहा है परंतु ये बात ठीक है कहीं उसको मिसयूज हाँ वो हमें तो चाहेंगे कि एससीसीपी का जो फंड है उसमें जो है कोताही करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू होनी चाहिए दो सजेशन मेरे हैं कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं जो इंक्वायरी ऑफिसर जो बनाए जाते हैं डीएसपी लेवल का वो कोताही करते हैं और वहां पर कोई ना कोई गड़बड़ करते हैं दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट और जो डिस्ट्रिक्ट Please wait. Because of the importance, the critical importance of the issue that is being discussed in the House today, understandably a large number of members want to speak, sir. We hear their views on this, and everybody should really be able to speak on this important subject. But since it's already 8:30 and some members have to make their references under zero. The special references as such also, sir, I would suggest as a special matter, sir, because otherwise there is quite a bit of legislative business that has to be transacted after the businesses for tomorrow, the legislative business that is listed for tomorrow. After that, we could take it up that again. I think there would be time available for that.